भरतपुर शहर को प्रदूषण मुक्त और दुर्घटना रहित बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CSIR के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक विशेष टीम व्यापक यातायात प्लान तैयार करेगी। ये टीम आगामी एक माह तक भरतपुर के प्रमुख चौराहों, सड़कों और घर घर जाकर सर्वेक्षण करेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि इस यातायात योजना का उद्देश्य नागरिकों के लिए सुगम, व्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करना है। इस योजना के तहत CSIR की टीम यातायात का अध्ययन कर विभिन्न उपायों की सिफारिश करेगी। इसके लिए शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट में अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर विकास न्यास, नगर निगम, परिवहन विभाग, रोडवेज और सार्वजनिक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। जिला कलेक्टर ने आम जनता से अपील की कि वे सर्वेक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, टीम द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का सही और स्पष्ट उत्तर दें, ताकि सही योजना बनाई जा सके। इस सर्वे में जुटाई गई जानकारी केवल यातायात प्लान बनाने के लिए उपयोग की जाएगी। शहर के 10 प्रमुख चौराहों और तिराहों पर यातायात का दबाव मापा जाएगा। हर दिशा में 500 मीटर तक के क्षेत्र में वाहनों की संख्या, मोड़ने की प्रवृत्ति और सड़कों की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। CSIR की टीम 3000 से अधिक घरों में जाकर नागरिकों की यात्रा आदतों, वाहन उपयोग और आर्थिक जानकारी का सर्वे करेगी। इस सर्वेक्षण से शहर के सार्वजनिक परिवहन तंत्र में सुधार के सुझाव मिलेंगे। सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों का भी सर्वे किया जाएगा। इससे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक के निर्माण को लेकर योजनाएं बनाई जाएंगी। सर्वेक्षण के दौरान दुपहिया, ऑटो, बस और मालवाहक वाहनों के चालकों से भी उनके कार्य दबाव, ईंधन उपयोग और आवागमन में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री की इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर को प्रदूषण मुक्त, दुर्घटना रहित और यातायात सुगम बनाना। ये डिपो को भी हम चाहिए तो दूसरी जगह में शिफ्ट कर सकता है ना? एक इनके पास, निगम के पास यहाँ ले रहे सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए, सिटी बस के लिए, टिकट्स के लिए, देखो के लिए, और एक यहाँ पर इनके पास है UIT के लिए ट्रांसपोर्ट बसेस के लिए। तो आपको जी तीन पर